ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम सुरेश जी के साथ चर्चा कर रहे थे, वापस लौटूंगा मैंडोला साहब के पास। मैंडोला साहब, 2-3 मैच होंगे और तकरीबन जो अनुमान लगाया गया है 80 लाख लीटर पानी का, तमाम समाज जितने भी खिलाड़ी हैं क्रिकेट के उनके प्रति पूरा सम्मान और आदर के वो खेलें और बहुत बढ़िया मैच खेलें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएं। मुद्दा ये नहीं है, महेश जी ने जो मुद्दा उठाया था कि 2010 में जल नीति बनी, एक्चुअली ये जल नीति का प्रारूप 2004 में हमने प्रकाशित करवाया था, बहुत लंबी चौड़ी जिद्दोजहद के बाद हमने 2000 में ये मुद्दा उठाया था कि जब 1960 से लेकर के पानी की प्रॉब्लम है तो आप उसका सॉल्यूशन करें, उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। उसके बाद हमने ये कहा कि बारिश के पानी के संरक्षण के लिए आप नियम बनाएं, नियम नहीं बनाए, आज तक नियम नहीं बनाए, उसका कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उसके बाद उसके लिए हर चीज़ के लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ रहा है। मुद्दा यह है कि राजस्थान सरकार में चाहे कांग्रेस की मंत्रिपरिषद है, चाहे बीजेपी की मंत्रिपरिषद है, इन सारे लोगों की प्राथमिकताएं में राजस्थान की जनता का हित सर्वोपरि क्यों नहीं है? मुद्दा आज हमारे सामने ये है और हमने इसीलिए हमको बार बार हाईकोर्ट में क्यों जाना पड़ रहा है? बहुत सारे मुद्दे हमने हाईकोर्ट में इसलिए उठा रखे हैं कारण कि लंबी चौड़ी प्रक्रिया के बाद 10-10 साल 15-15 साल प्रतिवेदन देने के बाद मिलने के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगता कि क्रिकेट अगर जिंदा हो जाएगी? हम कई बार मुझे लगता है कि कई बार मुद्दे उठाने के लिए मुद्दे उठाए जाते हैं कि चलिए जयपुर में मैच हो रहा है तो कोई एक बड़ा मुद्दा तो बनाया जाए। बिल्कुल क्रिकेट को जिंदा करना है और किया जा सकता है। आज आप देखें द्रव्यमती नदी पास में है, यहाँ से 20 लाख लोगों को पानी ट्यूबवेल से मिल रहा है आज की तारीख में भी। सवाल इस बात का वहाँ पानी का ट्रीटमेंट कर आज तक व्यवस्था क्यों नहीं करी? आज आपने 50 साल तक क्यों उसको लटका के रखा हुआ है? रामगढ़ क्यों मर गया? हमने रामगढ़ का मुद्दा उठाया था कि 500 मीटर तक आप नो कंस्ट्रक्शन जोन करो। और वसुंधरा जी कुछ करना नहीं चाहते हैं, अशोक गहलोत कुछ करना नहीं चाहते हैं, फार्म हाउस का आवंटन कर दिया, कैसे कर दिया आप? क्रिकेट मैच लिया, इतना सब कुछ तो कर रही है सरकार। तो यही तो हमारा ये कहना है कि प्राथमिकताएं नहीं है, प्राथमिकताएं में नागरिक नहीं है, प्राथमिकता में कमजोर नहीं है, प्राथमिकता में किसान नहीं है, प्राथमिकता में वो लोग नहीं है जो वंचित है। अब मैं प्राथमिकता के पास वापस सीधे इनके पास भंवर सिंह जी के पास आऊँगा। भंवर सिंह जी, प्राथमिकताओं में कई चीज़ें हैं। अब देखिए अलग अलग प्राथमिकताएं हो सकती हैं। यहाँ पर्यटन भी एक प्राथमिकता हो सकती है, उसके पीछे जो पैसा आएगा वो भी प्राथमिकता हो सकती है, उसके पीछे कुछ लोगों को वापस वापस ट्रैक पर लाना प्राथमिकताएँ हो सकती हैं। तो इनकी प्राथमिकता सरकार की प्राथमिकताएँ अलग अलग हो सकती है ना? नहीं, वो तो देखो आपको जग जाहिर है कि वसुंधरा जी के और मोदी जी के बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं और उनको हाईलाइट करने के लिए सब गेम वापस हो रहे हैं, वो बैठे हुए हैं एक भगोड़े के रूप में और उनसे बातचीत करके यहाँ आईपीएल मैचों की बात हो रही है। इससे ज़्यादा सर्वनाक कोई बात हो नहीं सकती है। और जैसा कि हमारे साथी बुजुर्ग बता रहे हैं, पानी जयपुर की बहुत बुरी हालत है, मेरी कॉलोनी में भी सरकारी पानी नहीं है, हमने बोरिंग करा के लोगों ने कंट्रीब्यूशन में पैसा करके और पानी पी रहे हैं जयपुर में पिछले 20 साल से, कोई सरकार की योजना नहीं है 20 साल मेरे को जिस कॉलोनी में। मुझे जो नगर के बराबर आता थोड़ी देर पहले, लेकिन कोई योजना नहीं। राजीव जी एक क्रिकेटर हैं, वो चाहते साहब क्या भारत का भला इस क्रिकेट से हो जाएगा? क्रिकेट गेम किनका था? अंग्रेजों का गेम था ये। आज अमेरिका क्रिकेट नहीं खेलता, आज जापान क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या वो पिछड़ गए कहीं? नहीं, क्रिकेट की टीम नहीं है, जर्मनी की क्रिकेट की टीम नहीं है, भारत में कौन सा हमारा खेल कबड्डी था, हमारा खेल हॉकी था, हमारा खेल खो खो था, मेरा भी क्रिकेट बहुत खेला है, कोई तकलीफ नहीं है, हमें भी विरोध नहीं है, लेकिन क्या इससे देश के किसान का भला हो रहा है? क्या पानी मिल जाएगा गंगानगर के सूखे खेतों को? क्या राजस्थान के ये सांगानेर में इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, लाखों लोग बर्बाद हो रहे हैं, वहां विधानसभा में इन्हीं के बीजेपी के विधायक घनश्याम तिवाड़ी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की कोई प्राथमिकता नहीं है। आज पानी किसके लिए देना चाहिए? आज आपके घर में एक मटका पानी है, क्या पहले आईपीएल को देखोगे या प्यासे को पिलाओगे घर वालों को? यह प्राथमिकता तय करने की बात है जो सरकार की प्राथमिकता अय्याशों के लिए है। यहाँ कौन आएगा 2000 का टिकट खरीद के? गरीब आदमी और मिडिल क्लास नहीं आएंगे, सब पैसे वाले लोग आएंगे। अच्छा, आप इस क्रिकेट को क्रिकेट नहीं मान? ये क्रिकेट थोड़ी है, तो जुए का एक अड्डा है जो पूरे देश में करप्शन को फैला रहा है और इसके जरिए सट्टेबाजी होती है आज की तारीख में। आईपीएल कोई नेशनल गेम नहीं है, ये तो सेटिंग होती है। मैं भी क्रिकेट खेला हूं, आप पहले सेट होता कौन टीम जीतेगी उसी हिसाब से सट्टा बाजार चलता है, सट्टेबाजारी उसी पे होती है। आज ये सट्टा बाजार का एक पूरा का पूरा हुआ है। मैंने भी बहुत क्रिकेट खेली है, पार्थ सारथी शर्मा के शर्मा, कैलाश गट्टानी जी के साथ इंडिया टीम खेले हुए लोगों का नाम बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं आज हो क्या रहा आईपीएल के अंदर, ये तो सामने भी आ गया ना। बड़े बड़े लोग जेलों में जाके हवा खा चुके हैं सट्टेबाजी में, तो ये तो सट्टेबाजी का आईपीएल कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बना रहा खेलों की, ये तो उल्टा खिलाड़ी को बिगाड़ रहा है। चलिए इकबाल भाई, जितनी मेहनत आईपीएल के लिए हुई, आईपीएल की बड़ी मेहनत की है सरकार ने भाई, 3-3 मैच आखिर नागपुर से यहाँ ले आई, वर्ल्ड कप हुआ था अभी होके चुका है, एक मैच नहीं मिला,
मेहनत करनी होती उस समय भी कर लेते, पानी की इतना संकट भी नहीं था। सरकार सही दिशा में मेहनत नहीं कर रही। सरकार को अगर क्रिकेट लाइन पे लानी है तो पहले राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के झगड़े खत्म करने चाहिए जो 3 साल से बंद पड़े ताले लगे। अच्छा अच्छा, अंदर खाना झगड़ा बंद करने की भी एक कोशिश हो सकती है? ये कोई कोशिश नहीं है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन झगड़ा खत्म करना चाहिए, क्रिकेट उससे आगे बढ़ेगी। आईपीएल, मैं अभी भी कह रहा हूँ आईपीएल का स्वागत है। आईपीएल के 3 मैच होने से राजस्थान में कोई पानी का इतना बड़ा संकट नहीं आने वाला। मैं आप गोल्फ क्लब में देखो सुबह पानी कितना, सेंट्रल पार्क में पानी चल रहा है, इससे ज़्यादा ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि जिस तरीके सरकार की नीयत ठीक नहीं है मैच कराने की, मैच लाने के लिए, जिस तरीके से सरकार ने प्रयास किए पिछले 15 दिन के अंदर आईपीएल मैच लाने के लिए, अगर इतना प्रयास पानी लाने के लिए करते हैं। भाई दोनों बातें हैं, सरकार मैच ले आई तो हम मैच करवाएंगे, मैच हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया हो रहा है, पर सरकार ले आई उसमें नीयत ठीक नहीं है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन मैच नहीं करा रही, सरकार मैच करा रही है। सरकार का काम है पानी कैसे लाया जाए, सरकार का काम है पानी गरीबों तक कैसे पहुँचाया जाए। आज जयपुर के अंदर हर कॉलोनी के अंदर मटके फूट रहे हैं, आप देखते हो कच्ची बस्ती के अंदर पानी बिक रहा है। रोज की स्थिति है जयपुर की, साहब ने बताया कि 600 रुपए का बिक रहा। इससे आईपीएल के मैच से कोई इस चीज में कमी नहीं आने वाली है, ये समस्या तो वैसी की वैसी है। आज सरकार नाम की चीज तो राजस्थान में है ही नहीं। अगर आईपीएल के 3 मैच ला के सरकार देखे हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, हम खुद करा देंगे मैच, वो भी हम लोग जब लगेंगे सब तभी मैच होंगे। वही तो हम कह रहे हैं सरकार से, अभी भी वही कह रहे हैं कि पर्दा जो है, जिस तरीके से आईपीएल लाने के लिए यहाँ प्रयास किए उस तरीके से पानी के लिए करें, और उस तरीके से क्रिकेट को लाइन पे लाने के लिए जो विवाद है वो खत्म करें। आखिर पीछे एक बार पीछे चलता हूँ, वो हाथ खड़ा करें जी। ये निश्चित रूप से थोड़ा सा खड़े हो जाइए प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से सत्ताधारी वर्ग और अमीर वर्ग के प्राथमिकताओं का विषय है। अगर मुझे बहुत बुरा लगा, कुछ लोग बोल रहे थे कि सिर्फ सरकार का जिम्मेदारी है पानी की व्यवस्था, मैं कहता हूँ हर एक संगठन की, चाहे बीसीसीआई हो चाहे कोई भी संगठन हो, उसकी बराबर जिम्मेदारी है कि अगर कहीं किसी को पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, तो उसके लिए हम सबको सहयोग करना चाहिए। सरकार का करें चाहे आम जनता का सहयोग करें, ये मेरा ये कहना है। महेश जी कुछ कह रहे हैं, महेश जी के पास आता हूँ। अभी भाई साहब ने बोला कि गोल क्लब में इनमें पानी की कोई कमी नहीं है, कॉलोनी में जाके अपन पता करें उनकी हालत देखो, और सरकार ये पानी की तरफ ध्यान देना, जितना आईपीएल की तरफ ध्यान आकर्षित कर रही है तो पानी की तरफ भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए सरकार को। हम भी चर्चा वही कर रहे हैं। मैं महेश जी कुछ हाथ खड़ा कर रहे थे, उनके पास आता हूँ, फिर राजीव जी के पास लौटूंगा। एक बार राजीव जी मुझे बता दीजिए कि इससे खिलाड़ियों क्या भला हो रहा है? क्या आईपीएल 8 मई को आईपीएल है तो क्या 8 मई को सुबह यहाँ एक ट्रायल होगी? क्या स्थानीय किसी खिलाड़ी की ट्रायल होकर वो शाम को मैच खेलेगा? जो चयन हो चुका बाहर के खिलाड़ियों का हो चुका, राजस्थान का तो नाम ही नहीं है उसमें, ना राजस्थान के कोई खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ी हैं वो बाहर के हैं, बाहर के वो खेल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर वो बाहर, अगर बाहर भी हो जाता है तो क्या क्या हित हो रहा है? अब जो स्थानीय खिलाड़ी यहाँ पे जो महरूम रह चुके हैं उनका चयन नहीं हुआ, उनके लिए क्या ट्रायल क्लासेस लगेगी यहाँ पे कि भैया आपको एक चांस दे रहे हैं आप शाम को खेल लेना? और आईपीएल का वो दिक्कत नहीं है, आप एसटीपी प्लांट से वहाँ पे ट्रीटेड पानी ले आइए, वो यूज करिए। विषय उठाया रोहित, आपके पास आता हूँ। आखिर क्रिकेट का क्या भला है, क्रिकेटर खुश क्यों है? क्या वो जो उनका सवाल है वो लाजमी सवाल है, ये सवाल मेरा भी है। टीम है नहीं, राजस्थान के प्लेयर दूसरी टीमों से खेल रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स एक टीम थी, वो भी खत्म हो गई इस बार। और बात यह है कि अगर इन 3 सालों में बेचारे रणजी में टीमें भेजी जाती, 1 साल तक तो स्थिति ये असमंजस रही कि टीम भेजे या नहीं भेजे, कई टूर्नामेंटों में टीम तक नहीं गई, उसके लिए प्रयास हो जाते तो क्रिकेटर का भला होता। देखिए मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि राजस्थान 3 साल जैसे आपने बोला मैचेस नहीं हो रहे हैं, बड़ी परेशान हो रही है, ये वापस आ रहे हैं, ये गुड साइन है कि क्रिकेट वापस आ रहा है, क्रिकेट हो रहा है। और क्रिकेट टीमें आती हैं तो सबसे पहले नेट्स होते हैं, वहाँ जो लोकल प्लेयर होते हैं वो प्रैक्टिस कराते हैं, उनको इंटरेक्शन का मौका मिलता है बड़े प्लेयर्स से, सीखने का देखने का मौका मिलता है। सेकेंड चीज़, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, उन्होंने बोला सट्टा चल रहा है, ये चल रहा है, मैं बोलूँगा सट्टा तो इलेक्शन में भी चलता है। सट्टा पानी बारिश कब होगी, एक मिनट, बारिश का बोरी तब भी चलता है, सब चीज़ें बंद कर देंगे आप? और सत्य की गारंटी आज बताएं कौन टीम जीत रही है, इनकी बताई टीम जीत गई तो मैं मान जाऊंगा बस सट्टा लग रहा है। ओनली प्रेडिक्शन से गेम नहीं चलता है। एक चीज़, इन लोगों ने रेट लगाई कि पानी की प्रॉब्लम है, इन्होंने रेट लगाई कि पंजाब हमें पानी नहीं दे रहा उसको हम रेट लगाएं, या हिमाचल से पानी नहीं आ रहा उसके लिए हम रेट लगाएं, हिमाचल गवर्नमेंट पर हम रेट लगाएं या पंजाब गवर्नमेंट पर रेट लगाएं। ओनली एक गेम जो 3 साल बाद आ रहा है, उससे पहले 6 साल गेम हुए कोई रेट नहीं लगी। ऐसा तो नहीं है, विपिन आपके पास आता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि IPL या किसी बड़े आयोजन का विरोध करो तो थोड़ा सा चर्चा ज़्यादा मिलती ना? बात सीधा ये है, सीधे तौर पे एक बात है, IPL के चमक के पीछे ये सरकार, राजस्थान की जो भाजपा सरकार है, अपनी नाकामियाँ भी जो है, जो विफलताएँ छुपाने की कोशिश कर रही हैं। अगर पानी का कहीं दुरुपयोग हो रहा है, कहीं सेंट्रल पार्क में, गोल्फ कोर्स में कहीं हो रहा है, उसके रोकने के प्रयास होने चाहिए, ना कि उसके बहाने से आप और ज़्यादा पानी बर्बाद करने के बहाने ढूंढे जाएँ। 1 करोड़ लीटर पानी
80 लाख लीटर एस्टिमेट है, उससे ज़्यादा पानी बर्बाद हो रहा है। प्रदेश में पानी की हाहाकार हर जगह है। अधिकतर डैम, किसी भी डैम में सरप्लस अमाउंट पानी नहीं है, जानने की बात है। अधिकतर डैम सूख चुके हैं, रामगढ़ बांध सूख चुका है, जयपुर 140 किलोमीटर दूर से पानी मंगा रहा है। उस दौरान अगर आप आईपीएल मैच करवा कर वाहवाही लूटना चाह रहे हैं तो सरासर तौर पर गलत है। नहीं, मुझे लग रहा है सब तरफ, एक पीछे चलता हूँ फिर आता हूँ, जो मेरा सवाल था राजीव जी आपके पास ही आऊँगा उस तरह, जो इन्होंने सवाल उठाया है। सर आज आपका प्रश्न है कि पानी की प्यास ज़्यादा बढ़ी है या क्रिकेट का शौक, तो इसके लिए मैं एक आम आदमी होने के लिए एक सुझाव है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि आईपीएल के मैच में एक चीज़ रखते हैं कि जो भी आईपीएल का मैच देखने आएगा वो शुरू से लेकर आखिर तक पानी नहीं पिएगा, जिससे कि कंपनसेट हो। पानी यहाँ जो बिक रहा है वहाँ पे मालूम पड़ जाए। नहीं, पानी यहाँ बट नहीं रहा है, बिक रहा है। ये कमर्शियल क्रिकेट है, यहाँ घुसने के साथ ही आपकी पानी की बोतल रखवा लेते हैं। नहीं, 20 रुपए की अंदर पानी की प्यास चाहे खरीद के मिटे चाहे फ्री के पानी से मिटे, यहाँ प्रश्न ये है पानी की प्यास बढ़ी है या क्रिकेट का मैच। तो हम देखते हैं कितने लोग वहाँ क्रिकेट का मैच देखने आते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम एक और चीज कर सकते हैं कि आईपीएल के मैच से जो फायदा होने वाला है, जो भाई साहब कह रहे थे, उस फायदे को हम बीसलपुर की लाइन बगरू तक ले जाने में, बीसलपुर की लाइन खो नागरियों तक ले जाने में, वैसे खो नागरियों में है बीसलपुर की लाइन, पानी की टंकी भी आप है। आरसीए की सारी कमाई लेना चाहते हैं मतलब? नहीं सर, जनता की कमाई है वो, तो या सरकार या आरसीए जो भी, हाँ सरकार की कमाई जो है वो इधर खर्चो। राजीव जी, ये पानी की प्यास, क्रिकेट का शौक, और मुझे लग रहा है क्रिकेट का विरोध, आईपीएल का विरोध, ये सब जो हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं जो भी कुछ होता है आईपीएल आने पर होता है। सर ऐसा है कि, और आईपीएल में भी एक बड़ा मुद्दा कि कुछ लोग हैं जो जिनका विरोध करना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सर ऐसा है कि जो चमकता है वही बिकता है। अब आप आईपीएल का विरोध करोगे तो आप टीवी पे आओगे, अभी आप हरियाणा पंजाब सरकार से लड़ोगे तो क्या है, कोई कोने में बैठ जाओगे, जाके कोई पूछेगा नहीं। तो कम से कम इस बहाने टीवी पे आए, मैं इस चीज़ का इन लोगों का भी आदर करता हूँ कि कोई बहाना तो ढूंढा इन्होंने पानी वाली समस्या अपनी जो भी है सामने लाने का। पर इन ऑल ऑनेस्टी, ये मुद्दा क्रिकेट से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सरकार का मुद्दा है, दूसरी सरकारों से मुद्दा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से प्लीड करने का मुद्दा है। इस चीज़ को सही भाषा में और सही तरीके से इनको सही मंच पे उठाना चाहिए, ये मंच गलत है पानी का मुद्दा उठाने के लिए। अच्छा, पानी का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। एक ब्रेक लूंगा और फिर सुरेश मिश्रा जी के पास आऊंगा कि सुरेश जी ने जो बात उठाई थी, फिलहाल एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद तुरंत लौटता हूँ।